दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चांदड़ा का चौकी पहुंचे, यहां पर पुलिस ने एक ऐसे संगीन मामले का खुलासा किया है। मामला खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा हुआ है। एक डिपो होल्डर राजस्थान तीतर का निवासी, किशनगढ़ बास जिला अलवर का स्थायी निवासी है और हरियाणा तिगांव गाँव में आकर यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंटों के सहारे जो है खाद्य आपूर्ति विभाग से लाइसेंस ले लेता है और यहाँ पर राशन वितरण करता है। लेकिन बाद में जब इसकी जांच हुई तो जांच में ये बिल्कुल जो है दो जगह इसके वोटर कार्ड यानी कि यहाँ फर्जी तरीके से इन्होंने कोई वोटर कार्ड बनवा लिया राजस्थान में फर्जी तरीके से, जबकि वहाँ से कोई किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली। हालांकि संदेह का विषय बना हुआ है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आखिर इस तरीके से इस डिपो होल्डर को लाइसेंस कैसे जारी कर दिया कि एक राजस्थान निवासी कोई भी आकर हरियाणा में लाइसेंस ले लेता है और फिर यहाँ पर गरीबों के हक पर डाका डाला गया। चांदड़ा का चौकी इंचार्ज जितेंद्र ने इसकी जो है पूर्ण तरीके से मामले की जांच की। शिकायत के आधार पर मामले की जांच में डिपो होल्डर और उसको अन्य लोग भी उसके साथ हैं उसको बिल्कुल दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने पर पुलिस ने इस डिपो होल्डर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आइए करते हैं कुछ इस मामले पर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार हमारे साथ यानी कि जुड़ चुके हैं और ये हमें बताएंगे आखिर क्या मामला था और कितने दिन बाद यानी कि बड़े मामले का जो चांदड़ा का चौकी पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया है, किसकी शिकायत पे मामला पुलिस ने दर्ज किया है और सर ये पूरा मामला क्या था? सर ये सर तिगांव के सरपंच गाँव के सरपंच की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें अपनी शिकायत उन्होंने आरोप लगाया था तीतर का गांव निवासी सब्बीर के खिलाफ। उनमें आरोप में ये मेन बात थी कि उन्होंने डिपो राशन डिपो लाइसेंस प्राप्त कर लिया था फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और वो पिछले 1.5-2 साल से इस डिपो लाइसेंस का प्रयोग करके और गाँव वालों को राशन वितरित कर रहे हैं। जाँच के दौरान हमने राजस्थान से भी किशनगढ़ बास तहसील से वहाँ से रिकॉर्ड हासिल किया और नौ से भी खाद्य आपूर्ति विभाग से रिकॉर्ड हासिल किया है। तो उसमें त्रुटियां पाई गई कि इसमें सब्बीर खान ने फरवरी 2018 में इसने राशन डिपो लेने के लिए आवेदन किया था तो उसमें इसने हरियाणा की भी आईडी लगाई हुई थी और राजस्थान की भी आईडी लगाई थी तो एनओसी उसको बाद में मिली है जबकि राशन डिपो का लाइसेंस उसको सितंबर 2018 में मिल गया था, एनओसी अक्टूबर में जाके मिली है जबकि वो एनओसी उसको पहले लेनी चाहिए थी जब लाइसेंस के लिए इसने आवेदन किया था। इसके अलावा और इसमें काफ़ी त्रुटियाँ ये मिली हैं कि पहले जब इसने आवेदन किया था उसी समय इसने खुद का राशन लाइसेंस जो है राशन कार्ड वो उसमें इसने अपना नाम कटवाया हुआ दिखाया था फरवरी में कि मेरा नाम राजस्थान से कट गया है और अपने लाइसेंस राशन कार्ड के साथ हमें लड़के कयूम का राशन कार्ड लगाया था उसमें ये लिखा था कि आज के बाद फरवरी के बाद कयूम घर का जो मेन मालिक है और सारा राशन डिपो राजस्थान में कयूम के नाम रहे। तो एक तरफ तो ये इसने दर्शाया यहाँ लाइसेंस लेने के लिए सर क्या अगर मान के चलो कि मेवात नूह के जो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग है DFSC है उसने इसको राजस्थान के एक व्यक्ति को अचानक लाइसेंस दे दिया, यानी क्या मानते हो आप इसको? इसमें देखो खाद्य आपूर्ति विभाग की ये इनको देखना चाहिए था जो दस्तावेज इन्होंने राशन कार्ड वगैरह जो राजस्थान के लगाए हुए हैं अपने आवेदन के साथ और हरियाणा के भी लगाए हुए हैं तो इनको पहले ही एनओसी मांगनी चाहिए थी, एनओसी के बगैर तो उनको लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए था। जबकि एनओसी जाके अक्टूबर में मिली है लाइसेंस उसको सितंबर में दे दिया। कितने दिन से सर इस मामले की जांच चल रही है? ये जांच हमारे पास 2 महीने से चल रही है। जनाब किन किन धाराओं के खिलाफ इसमें किन यानी कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? इसमें सर टोटल 5 आदमियों के खिलाफ हुआ है, मेन तो सब्बीर का है पितर का निवासी और सेक्शन 420, 467, 468, 420 दर्ज की गई है। तो सब्बीर खान ने जब लाइसेंस लेने के बाद क्योंकि वो राजस्थान का रहने वाला है तो इसमें 4-5 आदमियों के नाम आए हैं सब्बीर खान के रिश्तेदार लगते हैं कि उसकी गैर हाजिरी में राशन डिपो का प्रयोग वो करते हैं। अच्छा, हालांकि उनके बारे में अभी तक तफ्तीश जारी है लेकिन टोटल 5 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज। तो आरोपियों को कब तक गिरफ्तार इसमें कर लिया जाएगा? इसमें हमने टीम अपनी लगा दी है राजस्थान में तो भेज ही दी है आज सुबह जी, जल्दी से गिरफ्तार।